हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप सभी के फेवरेट टीवी शो यानी कि सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों आने वाले एपिसोड की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दूंगा, लेकिन इसी के साथ ही उसके आगे भी चलेंगे और जानेंगे कि अपकमिंग लीड स्टोरी जो है अब वो क्या होने वाली है। जैसा कि दोस्तों लास्ट एपिसोड के एंड में एक छोटी सी झलक आ पाने वाले एपिसोड की हमेशा देखते हैं, और आपने लास्ट एपिसोड में भी देखी होगी जहां पर पत्रलेखा जो है सई का रास्ता रोक लेती है एंड उसे कहती है कि तुम नहीं जा सकती, और सई को उल्टे पांव फिर से लौट जाने का डिसीजन जो है लेना पड़ता है। अब ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाला एपिसोड आएगा और पाकी सीधे मना कर देगी एंड वो वहां से चले जाएगी? तो इतना कुछ आसान भी नहीं होने वाला है पत्रलेखा के लिए भी। तो ऐसे में दोस्तों जहां पर आने वाले एपिसोड में आप सभी को पता है कि सई को ये पता चल चुका है कि विराट की इंजरी हुई है एंड उसके गोली लगी है, ऐसे में वह वहां से निकल गई है हॉस्पिटल को जाने के लिए। ऐसे में दोस्तों पुलकित का उसे साथ मिलने वाला है, पुलकित उसे हॉस्पिटल लेकर आने वाला है। ऐसे में दोस्तों बड़ी ही जद्दोजहद के बाद वो हॉस्पिटल तो पहुँच जाएगी, लेकिन उससे पहले पत्रलेखा और जो निनाद है वो वहाँ पर पहुँच चुके होंगे और मोहित भी उनके साथ होगा। ऐसे में दोस्तों निनाद जो है वह पत्रलेखा को साथ में ले जा तो नहीं रहा था, लेकिन ओमी उनके साथ जा रहा था, लेकिन पत्रलेखा को तो बीच में बोलना ही बोलना है, वो सही विराट को देखे बिना कैसे रह सकती है, और वो जिद पर अड़कर उनके साथ जाने के लिए पूरी तरह रेडी है और वो हॉस्पिटल पहुंचने भी वाले हैं, जहां पर दोस्तों मोहित जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन अपने विराट दादा की लेकर है, लेकिन दूसरी तरफ जो पत्रलेखा है उन्हें तो वहां पर भी गपशप चाहिए। अब ऐसे में दोस्तों हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है विराट को लेकर, और निनाद भी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि जो उसूल है कहीं ना कहीं निनाद ने ही विराट को सिखाए हैं, भले ही वो रियल लाइफ में कैसा भी बिहेव करते क्यों ना हो। ऐसे में दोस्तों उन दोनों की आपस में बात होने वाली है, वह निनाद को कहेगी कि आप थोड़ी देर बैठ जाइए आराम कर लीजिए, एंड दोनों के बीच में काफ़ी कुछ खास बातें होने वाली है एंड वो ही घिसी पिटी बातें लेकर वहाँ पर खड़े रहेंगे। कहानी में ट्विस्ट उस जगह आएगा जहाँ पर सई जो है पुलकित के साथ वहाँ पर पहुँचेगी, और वह चारों तरफ देख रही होगी कि कहाँ पर विराट चौहान को रखा गया है, और उसे फाइनली पता चलने वाला है कि और कहीं नहीं बल्कि ओटी में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है, उनकी हालत बहुत ख़राब है यानी कि ऑपरेशन थिएटर में। ऐसे में दोस्तों वहाँ पर पहुँचने वाली है, लेकिन पत्रलेखा वहाँ पर उनका रास्ता रोकेगी एंड फाइनली दोस्तों एक बहुत ही शॉकिंग मोमेंट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि चौहान निवास के जो वासी हैं वो घर में तो बढ़िया लड़ाई कर ही लेते हैं, लेकिन उनमें हॉस्पिटल में लड़ाई करने का भी भरपूर हुनर है। अब ऐसे में दोस्तों पत्रलेखा उनका रास्ता रोक चुकी है, सई जो है मिलना चाहती है विराट से। फाइनली उसे जब पता चलने वाला है बहुत लंबी बहस के बाद कि विराट को जो है सर्जरी की गई है एंड अभी वो होश में भी नहीं है, तो सई को भी लगेगा कि एक तो ये लड़ाई कर ही रही है सामने से पाकी, और निनाद भी नहीं चाहता कि मैं उससे मिलूं, और विराट से मिलने का फिलहाल कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि वो तो अंडर ऑब्जर्वेशन है एंड उसका इलाज चल रहा है और वो होश में भी नहीं है। ऐसे में मोहित जो है वह सपोर्ट करने वाला है सई का, और पुलकित भी सई के साथ काफ़ी कुछ उसका साथ देने वाला है जिसका फ़ायदा उसे ज़रूर मिलेगा, क्योंकि पुलकित एक हॉस्पिटल का ही सदस्य आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो हॉस्पिटल में उससे जीत पाना थोड़ा मुश्किल है। खैर पुलकित बहुत सीधा आदमी है, वो भी सई को पुलकित से नहीं मिला पाएगा। फाइनली मोहित जो है सपोर्ट करेगा सई का एंड सई को पता चल जाएगा कि विराट का भी ऑपरेशन चल रहा है एंड सिचुएशन अभी कंट्रोल में ही है। ऐसे में दोस्तों सई जो है फैसला लेगी वापस वहाँ से लौट जाने का, एंड आने वाले एपिसोड में दोस्तों आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक आने एक से तो ज़्यादा ही एपिसोड ही सारी लड़ाइयाँ खींचने वाली है, क्योंकि इस बार ये लड़ाई में जो ट्विस्ट आया है कि घर में नहीं बल्कि हॉस्पिटल में लड़ाई हो रही है, तो वाकई में खींचा तो जाएगा ही। इसके बाद दोस्तों फाइनली जहाँ पर सई ने वादा किया है पत्रलेखा से कि कुछ भी हो जाए अगर विराट ने मुझे याद नहीं किया तो मैं कभी उनसे नहीं मिलूंगी। अब ऐसे में दोस्तों विराट को होश आए और विराट सई का जिक्र ना करे ये तो हो ही नहीं सकता, और पत्रलेखा के पैरों के नीचे से ज़मीन भी खिसकेगी ये तो कन्फर्म है जब विराट सई को याद करेगा। एंड ऐसे में दोस्तों जब विराट सई को याद करेगा तो पाकी उसका कोई जिक्र नहीं करने वाली कि वो आई या नहीं आई, वो उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल विराट को नहीं देने वाली, एंड विराट की हालत भी इतनी अच्छी नहीं है कि वह उठकर सई को बात करे उसे फ़ोन लगाए। ऐसे में दोस्तों फाइनली जो देवयानी है वह कहेगी कि तू वीरू से मिली या फिर नहीं मिली, पुलकित कहेगा कि सई तुमने गलत फैसला लिया, उससे तुम्हें मिलना ही चाहिए था कुछ भी कर। फाइनली देवयानी कहेगी कि हम वीरू से मिलने चलेंगे और तुझे तो वीरू से मिलना ही मिलना है, और फाइनली अगले दिन फिर से सई जो है विराट की याद करने पर पहुंचने वाली है हॉस्पिटल, और जहां पर पूरे दो दिन से जो पत्रलेखा उसकी सेवा कर रही थी उसके आसपास घूम रही थी, सेवा तो क्या कर रही थी, वो तो अंडर ऑब्जर्वेशन था,
तो ऐसे में दोस्तों वह वहां पर पहुंचने वाली है सई, तो विराट जो है पत्र लेखा को भूल जाने वाला है बिल्कुल सई को देखते ही। जहां पर पत्र लेखा नाटक कर रही है उसका ध्यान रखने का और काफ़ी कुछ कोशिश कर रही है उसका ध्यान रखने का, ऐसे में सई के आते विराट जो है उसे बिल्कुल भूल जाने वाला है। अब कुछ भी हो पत्र लेखा ने मेहनत तो जरूर की है, दो रात वो हॉस्पिटल में रुकी है, ऐसे में दोस्तों उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और उसे वहाँ से जाना पड़ेगा। एंड उसके बाद दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि सई से वो पूछने वाला है कि सई तुम वापस आ रही हो घर पर या नहीं आ रही, तुमने मुझे माफ़ किया कि नहीं किया। एंड दोनों के बीच में काफ़ी मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे और सही रात के फैंस के लिए ये मोमेंट जो है सबसे बेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि बहुत टाइम के बाद सही और विराट एक साथ आपको देखने को मिल रहे हैं और इस मोमेंट का आप सभी को इंतज़ार था, मुझे कमेंट्स में पढ़कर साफ दिख रहा था। और ऐसे में दोस्तों पत्र लेखा को वहाँ से जाना पड़ेगा, घर लौटना पड़ेगा। एंड घर पर जाकर पत्र लेखा बोलेगी कि भैया विराट ने तो मेरा बहुत सारा अपमान कर दिया, मुझे वहाँ से भेज दिया। एंड ऐसे ही स्टोरी आगे बढ़ने वाली है एंड काफ़ी मशक्क़त के बाद सही फिर से घर में रिटर्न होने वाली है। तो आप समझ गए होंगे कि ये वीक भी कुछ इसी तरह निकलने वाला है, जहाँ पर मुझे तो लगता है कि मतलब स्टार के सभी चैनल फिलहाल हॉस्पिटल में घुसे हुए हैं। अपन शुरुआत करें अगर अनोखी से, उसमें भी शौर्य अभी बीमार था, काफ़ी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी। सीरियल मेहंदी है रचने वाली, उसमें भी हॉस्पिटल के सीन दिखाए जा रहे हैं। और उसके बाद आता है गुम है किसी के प्यार में, तो उसमें हॉस्पिटल चल ही रहा है। उसके बाद इमली में भी मालिनी हॉस्पिटल में बैठी है, यानी कि लगातार सारे सीरियल में हमें हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल देखने को मिल रहा है। न्यूज़ चैनल खोलो तो हॉस्पिटल, यानी कि हर जगह हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल फिलहाल दिखाए जा रहे हैं। खैर दोस्तों काफ़ी एंटरटेनिंग भी आपके लिए सारे मोमेंट्स होंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है आने वाले एपिसोड के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सारी अपडेट मैं आपके पास लगातार पहुंचाता रहूंगा। आपके कोई भी ओपिनियंस है, सवाल है, सीधे मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।